हेलो दोस्तों, सनी पाजी की जो फिल्म आई है गदर 2, इसने तमाम मूवीज़ के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। और आपको ये भी बता दें कि इन बड़ी मूवीज़ में KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2 और पठान जैसी मूवीज़ हैं, इन सभी के रिकॉर्ड्स गदर 2 ने तोड़ दिए हैं। दोस्तों, ये मूवी जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है, उससे देखकर ये लगता है कि ये आगे आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ा इतिहास जरूर रचने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसने नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और किस तरह से इसने पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि गदर 2 के पहले दिन की कमाई थी 40 करोड़, दूसरे दिन इसने कमाया 43 करोड़, कुल मिलाकर 83 करोड़ रुपए हुए थे। और इसने संडे के दिन कमाया है 52 करोड़ रुपए इंडिया भर में। ये गदर 2 की रिलीज हुए तीसरे दिन का वो आंकड़ा है जिसने एक इतिहास बना दिया है। और इससे पहले देश की कोई भी मूवी इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना पाई थी अपने तीसरे दिन, चाहे वो बाहुबली 2 हो, चाहे KGF चैप्टर 2 हो, चाहे पठान हो या RRR। तो तीसरे दिन यानी संडे के दिन इस मूवी ने 52 करोड़ रुपए बनाए और कुल मिलाकर अगर देखें तो 135 करोड़ रुपए ये मूवी इंडिया भर में कमा चुकी है। बात अगर आती है कि इस मूवी ने पठान के रिकॉर्ड को कैसे तोड़ दिया, तो आपको बता दें कि पठान के तीसरे दिन का नेट कलेक्शन इंडिया भर में 39 करोड़ रुपए था। और वहीं अगर बात गदर 2 की करें, तीसरे दिन यानी संडे के दिन 52 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से इसने पठान को भी पीछे छोड़ दिया है और मूवी लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इस मूवी को लेकर लोगों में माहौल बहुत ही गर्म दिख रहा है। अगर ये मूवी एक के बाद एक दिन ऐसे ही लगातार कमाती रही तो ये बड़ी बड़ी मूवीज के ऑल टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछली मूवीज ने संडे के दिन कितने रुपए कमाए थे। जैसे कि बात अगर दंगल की करें तो इसने अपने पहले संडे को 41 करोड़ 34 लाख रुपए का शानदार कलेक्शन किया था। उसके बाद देखते हैं टाइगर जिंदा है कि इसने अपने रिलीज होने के पहले संडे को 45 करोड़ 53 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। उसके बाद बात करते हैं बाहुबली 2 की। ये मूवी अपने रिलीज होने के पहले संडे को 46 करोड़ 5 लाख रुपए कमाई थी। तो वहीं आखिरी नंबर पर बात करते हैं KGF चैप्टर 2 की। इसने अपने रिलीज होने के पहले संडे को हिंदी वर्जन में 50 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया था। हालांकि दोस्तों, पठान अपने रिलीज होने के पहले संडे को 58 करोड़ 5 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही थी। इस हिसाब से पठान अपने पहले संडे के मुकाबले में गदर 2 को पीछे छोड़ती है। लेकिन बात अगर मूवी रिलीज होने के बाद तीसरे दिन की करें तो इस चीज में पठान पीछे हो जाती है। यानी तीसरे दिन पठान ने कमाए 39 करोड़ और गदर 2 ने 52 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से गदर 2 अपने तीसरे दिन ही इन बड़ी मूवीज को पीछे करने में कामयाब रही है। इस फिल्म को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि ये गदर जैसी नहीं है, लेकिन ऑडियंस ने ये साबित कर दिया उनके हाथ में सब कुछ है, वो जिस मूवी को चाह लें उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या आपने गदर 2 देखी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।